हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉस बनाना बताया है। ये बॉयज़ गर्ल्स का, आप चाहो तो बड़ी लड़कियों का भी बना सकते हैं। इसी तरीके से काट सकते हैं आप प्लाजो वगैरह रख के। इस पर मैं आपको इसे काटना बताती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बॉयज़ का सॉस बनाना बताया है, बहुत ही आसान तरीके से। नाइट वेयर सॉस है ये। इस तरीके से हमने पहले एक बार इसे फोल्ड किया है अपने कपड़े को, और फिर हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने फोल्ड किया है। ये ऊपर हमारी बंद साइड है और इस साइड भी हमारी बंद साइड आएगी, इधर हमारी खुली साइड आएगी। ये इस तरीके का कोई भी रेडीमेड शॉर्ट्स आपके पास है, इस तरीके से हम इसे रखेंगे। और 2 इंच हम यहाँ पे इलास्टिक ले रखेंगे अपने। इस तरीके से 2 इंच पे हमने यहाँ पे इलास्टिक डालने के लिए रखा है। अब यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे तो कमर थोड़ा हमें एक्स्ट्रा रखनी है, इसमें 2-3 इंच हम लूजिंग लेंगे। और यहाँ तक, जहाँ तक हमारा आसन है, इस तरीके से सेम इसी तरीके से हम इस पर मार्क कर देंगे। और 2 इंच हम नीचे फोल्डिंग के लिए रख देंगे। और इसी तरीके से हमने इसे मार्क कर लेना है। बस यहाँ हमें एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ से हम इसे आसन देंगे। अभी तरीके से हमने इस पर आसन की गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमें इसे कट करना है। इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। ये शॉर्ट्स हमारा पहले से ही लूज है तो हम इसे ज़्यादा लूजिंग नहीं दे रहे हैं, हल्का हल्का हमें लूज करना है इसे। ऊपर जो इसकी बंद साइड थी इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब हमें पहले एक साइड के आसन को स्टिच करना है इस तरीके से। यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे। आसन के दोनों साइड मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है, साइड भी इस साइड भी दोनों आसन सिल दिए हैं। हम इस तरीके से रखेंगे इसे। ये हमारा जो नीचे हमारा ये बॉटम है, इसे भी हमने फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा ली है। दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। अब ऊपर का साइड है ये हमारा, जो 2 इंच रखा था हमने, ये मार्क किया है 2 इंच पे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरे पे यहाँ तक सिलाई लगाते हुए आना है। फिर यहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे अपनी। इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लिए, यहाँ पर हमने गैप रखा है इलास्टिक डालने के लिए। और इसके जो मेन आसन होता है जो इसकी, इस पर भी हमने सिलाई लगा ली है। जो हमारी मेन सिलाई है बीच की, इस पर भी हमने डबल सिलाई लगा ली है। इस तरीके से यहाँ पे इलास्टिक पे हम सिलाई लगा देंगे। इलास्टिक को सिल लिया हमने। अब आप चाहो तो बीच पे यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो ताकि इलास्टिक लेना। ये इलास्टिक लगाइए, 3-4 इंच कम लगाइए अपने कमर के हिसाब से। 3-4 इंच कम रखी है मैंने इलास्टिक को। ये बन के तैयार हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।